हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन एयर, बैक विद अ वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 17 पर, जहां पर हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स में आने वाला है, जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने सिखा दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखा दिया है, बैलेंस शीट भी आज सीख लेंगे। ठीक है, तो पूरा एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। दिक्कत यहाँ पे आती है कि क्वेश्चन लगाना तो आता है हमको, पर वो क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, उस टाइम को भी कैसे मैनेज करेंगे वो मेरे पास क्वेश्चन लगाते लगाते सीख लेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन को पूरा कैसे अटेंड करना है देखते हैं। चलिए, तो आप लोगों की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, हमको यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उनका 5:3। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है हमको एक, जिसमें हमको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्रोविडेंट फंड दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की, एसेट साइड में बैंक बैलेंस कैश एट बैंक दे रखा है, डेप्टर्स उस पर प्रोविजन लगा दिया है, स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट है, पीएल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट में यहाँ पर बता रहे हैं कि नया पार्टनर जेड एडमिट हुआ है 1 अप्रैल को, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर था 1/8 का। ठीक है, 1/8 शेयर के लिए आया है, और जेड आते ही 20,000 की कैपिटल ले आए, और 12,000 की गुडविल लेकर के आए। ठीक है, कैश में। आगे, जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, जेड अपना पूरा का पूरा शेयर एक्स से ले रहे हैं, तो सेक्रीफाइस भी किसने किया होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स ने किया। पूरा शेयर अगर एक्स से ले रहे हैं तो एक्स ने ही अकेले सेक्रीफाइस किया, वाई ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। और कुछ एडजस्टमेंट बता दिए, ये 5 प्रोविडेंट फंड हमारा इंक्रीज होकर के 5,000 से इंक्रीज होकर गया, डेप्टर्स हमारे सारे अच्छे थे, उनसे प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ी, स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑप्शन सर, स्टॉक में हमारा 3,000 का कचरा पड़ा हुआ था, रद्दी सामान कबाड़ा वाड़ा। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे 1,000 ज़्यादा हो गए, ज़्यादा पे करने पड़े क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये, और फिक्स जैसे रिवैल्यू हो गए 70,000 हो गए। देखिए इसको कैसे अटेंड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैपिटल में बैलेंस शीट की तरफ पहुँचेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट की बोनी कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट की बोनी। कैपिटल अकाउंट की बोनी कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल है, कल पिछली वाली वीडियो यानी कि रूल नंबर 16 में, कल वाली वीडियो में सिखाया था, जहां पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की कैसे करते थे स्टार्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स की कैपिटल से, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसकी किसकी कैपिटल, एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है, 70,000 और 31,000, 70,000 and 31,000। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां की मत बैलेंस शीट को छोड़ देंगे, अब सारे के सारे एडजस्टमेंट हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट पर पहुंचेंगे। एडजस्टमेंट कैसे खत्म करेंगे, सबको एक ही साथ पोस्ट करते जाएंगे, सारी चीज़ें जो जहां आने वाली उनको एक साथ पोस्ट करते चलेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जेड एडमिट हुआ और साथ ही कैपिटल लेके आया 20,000 की, तो यहाँ पर लिख देंगे उसकी कैपिटल बाई बैंक, कैश में लेके आया कैपिटल, इसलिए कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जेड की कैपिटल लेकर आए जेड 20,000, 20,000 की कैपिटल हो गई, और क्या लेके आए, गुडविल लेके आए 12,000 रुपये की, किसको मिलेगी गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को मिलनी चाहिए सैक्रीफाइसिंग रेशियो में, पर सैक्रीफाइस यहाँ पे कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स सैक्रीफाइस कर रहा है, तो सारी गुडविल किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी, सिंपल है। तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी, 12,000, बाकी का कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाई 5,000, प्रोविडेंट फंड था वो इंक्रीज हो गया 5,000 से, प्रोविडेंट फंड क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इंक्रीज हुआ 5,000 से, लाइबिलिटी किधर इंक्रीज होगी, इधर इंक्रीज होती है लाइबिलिटी, बताई थी, एसेट किधर इंक्रीज होते थे, इधर इंक्रीज होते थे, एसेट डिक्रीज किधर होते थे, इधर एसेट डिक्रीज होते थे, बताया था वीडियो नंबर, मैंने बताया था वीडियो नंबर 15 में। ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ठीक, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, लाइबिलिटी इंक्रीज, इधर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रोविडेंट फंड कितने का, 5,000 का इंक्रीज हुआ है, तो कितना लिखेंगे, 5,000, तो लिखेंगे 5,000 का इंक्रीज हुआ है, तो 5,000 का हमारा प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया। ठीक, इसके बाद प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हुआ, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में जाना चाहिए, एक साथ पोस्ट करते चलते, तो यहां पे जाएगा प्रोविडेंट फंड, अब कितना जाएगा, प्रोविडेंट फंड 5,000 से इंक्रीज हुआ है, पुराना प्रोविडेंट फंड कितना था, पुराना था हमारा 10,000, 5,000 से बढ़ गया, कितना हो गया अब 15,000, 10,000 पुराना था, 5,000 से बढ़ गया, अब हो गया 15,000। ठीक है, ठीक, इसके बाद डेप्टर्स आर ऑल गुड, देर आर
देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स हमारे सारे अच्छे थे, सबने पैसे दे दिया, बड़े वाले डेप्टर्स थे, सबने पैसे दे दिया, उनके लिए कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके लिए कोई प्रोविजन बनाने की, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम हो गई, कितना लिखेंगे, इधर नॉर्म होती है लाइबिलिटी, तो लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितने का प्रोविजन था, 600 करोड़ का प्रोविजन था, अब नहीं चाहिए। डेप्टर्स कहाँ जाने चाहिए, एसेट्स में लिख दो, डेप्टर्स कितने, पूरे के पूरे 20,000, क्योंकि प्रोविजन नहीं चाहिए है हमको, सारे डेप्टर्स बड़े हवाले हैं, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स। स्टॉक में हमारा 3000 का कचरा पड़ा हुआ था, एसेट कम होगा, यानी कि कचरा पड़ा तो उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, यानी कि एसेट कम, 3000 का एसेट कम, किधर लिखेंगे, इधर, टू स्टॉक 3000 के एसेट्स हो गए कम। स्टॉक कहाँ जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे। स्टॉक कितने के थे, रियल वैल्यू स्टॉक्स की, स्टॉक्स ही 25,000 के, 3000 कम हो गए, कितने बचे, 25 में से 3 गए, 22,000 के स्टॉक्स बचे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर्स को 1000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी क्या हो गई, फिर से बढ़ी लाइबिलिटी, किधर बढ़ाएंगे लाइबिलिटी, इधर, टू क्रेडिटर्स 1000 रुपए और दे दो इनको। कहाँ जाएंगे क्रेडिटर्स, यहां जाएंगे। कितने के थे पुराने क्रेडिटर्स हमारे, क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, 1000 बढ़ गए तो हो गए 16,000 के क्रेडिटर्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, फिक्स्ड एसेट वर आर टू बी रीवैल्यूड 70,000। फिक्स्ड एसेट जो है वो हमारे रीवैल्यूड होकर के 70,000 के हो गए, पहले कितने के थे, पहले थे 80,000 के, अब रीवैल्यू होकर 70,000 हो गए, क्या हो गए, कम हो गए, 80,000 के थे अब बचे 70,000 के, 10,000 का क्या हो गया, घाटा हो गया, ठीक है। कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, एसेट्स दोबारा कम हुए, टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000 के कम हो गए, कितने के बचे हैं फिक्स्ड एसेट, 80 के थे 10 कम, रीवैल्यू होकर 70 हो गए, सीधा सीधा 70 लिखना है, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट आ गए एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स कितने 70,000, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एडजस्टमेंट खत्म, इतनी सारी पोस्टिंग हो गई और सारे एडजस्टमेंट भी खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, अब अपनी बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे, जो बचा खुचा बचा अब वो इधर उधर डाल देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, पूरे 6 नंबर आएंगे ऐसे अपनी जेब में। देखते हैं, लाइबिलिटी शुरू करते हैं, क्रेडिटर्स का काम हो गया, प्रोविडेंट फंड का काम हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 5,800, कहाँ जाएगा, 5,800 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, लिखेंगे बाई WCR, कैसे बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 5,800 का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3, 5,800 डिवाइडेड बाई 8 × 5, 3,625, अगेन 3,2175, ये एक्स और वाई को मिल गया, ओल्ड पार्टनर्स को मिला ओल्ड रेशियो में, ठीक। और क्या है हमारे पास, कैपिटल कर चुके हैं, कैश एट बैंक उसके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए कैश के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक। डेप्टर्स हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, पीएल एसेट साइड में लिखा है, किधर जाएगा, इधर, लॉस है तो लिखेंगे टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट, कितने का है हमारा, 2400 का है, अगर इसको बांटेंगे 5:3 रेशियो में तो कितना कितना पड़ेगा, 1500 और 900, सही है, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन हमारा खत्म, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्या करें आप, फटाफट टोटल करते हैं और कैश वाला आइटम और कर लेते हैं, कैश वाला आइटम का देख लेते हैं, कैश कितने का हमारा, 5,000, कैश हमारा 5,000 का है, और इसमें क्या क्या प्लस होगा, वो देखो, गुडविल लेकर के आया था और वो कैपिटल लेकर आया था, तो ये 20,000 की कैपिटल और 12,000 की गुडविल, ये भी इसमें प्लस कर दें, तो ये 20,000 के हमारी कैपिटल, 12,000 की गुडविल, ये हो गया 37,000। आया कैश समझ में, इसको लिख देंगे यहाँ पे
कैश कितना 37,000। सही बात है, कोई गलत बात नहीं। ठीक, अब फटाफट से टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे तो 19,000। ये आ गया हमारा 19,000। इधर भी वही लिखना पड़ेगा, हाँ 19,000। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लॉस हमारा, बाई लॉस कितना आएगा 18,400। 18,400 का लॉस आया। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। चलिए बांटते हैं, तो ये आया एक का 11,500 और जैसे दूसरे का निकालेंगे 18,400 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 6,900। किसका किसका? एक्स और वाई का। ठीक है, ये कहाँ ट्रांसफर होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। ये कहाँ जाएगा? इधर। ठीक, लिख लेते हैं क्योंकि क्रॉस में जाता है ना, इधर क्रेडिट में आया है, इधर डेबिट में। प्रॉफिट आता तो इधर जाता, उधर जाता, लॉस आया तो इधर। पीएल का लॉस भी इधर आया और रिवैल्यूएशन का लॉस भी इधर ही आएगा। क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन कितना कितना? 11,500 और 6,900। 11,500 6,900। बस अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। चलिए इसका आया 20,000, इधर भी लिखेंगे 20,000। ठीक है, इसका करेंगे तो ये आएगा 17,533,175। मुझे याली सेट बड़ी दिख रही थी इसलिए मैंने किया। अगर आपको याली सेट बड़ी दिखती है तो अब याला वाले करेंगे। ठीक है, जो सेट बड़ी होती है उसी का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, फिर बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, जैसे लास्ट ईयर भी सीखा था 11th में, है ना। इसका करते हैं 526 और 5 और ये 8, 85,625 यहाँ पे लिख लेंगे 85,625। ठीक है, क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डन आ चुका है, कैरेट डन आएगा। इधर तो कुछ नहीं है तो सीधा सीधा 20,000 आ गया। इनको माइनस करके निकालते हैं फटाफट से। ये कितना है? 33,175 माइनस 900 और 6,900, माइनस 900 माइनस 6,900, तो ये आया 25,375, 25,375। अगला 85,625 माइनस 1,500, 825,625 माइनस 1,500 माइनस 1,100, 11,500, तो ये आया हमारा 72,625। दिख रहा है साफ साफ? ठीक, सही है क्या हम लोग? 72,625 और 20,000 तो वो तो सही है, 25,375। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या आ गई हमारी? कैपिटल आ गई। इसको कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में, यहाँ पे कैपिटल। किसकी किसकी है? एक्स की है, वाई की है और जेड की है। 72,625,25,375 and 20,000। इसको टोटल करते हैं, तो ये आया हमारा 1,18,000। ये तो इनकी कैपिटल हो गई। बैलेंस शीट का टोटल निकालने की कोशिश करते हैं फटाफट से, देखते हैं मैच होती है यानी 15,000 प्लस 16,000 प्लस, ये आ गया हमारा 1,49,000। ये आ गया हमारा 1,49,000। अगला करते हैं, उधर का भी यही आना चाहिए वरना मेहनत बर्बाद हो जाएगी। 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000 प्लस 37,000। हाँ जी बिल्कुल सही आ गया है आपका आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने समझाते समझाते इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया है, कुछ ऐसे 15 मिनट या 10 मिनट के आसपास लगे होंगे, तो इतने टाइम में हो गया है।
ऐसे ही आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतनी जल्दी आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होपफुली इजी क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला एक क्वेश्चन होता है, वो वीडियो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, क्या होती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, वो सब देख लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो इससे भी ईजी होती है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर इस टॉपिक को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। तब तक के लिए अपने अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।